हेलो गाइस, आई जस्ट लैंडेड एंड ऊपर गई. आई जस्ट पीड एंड नाउ आई एम गोइंग टू द डेंटिस्ट बिकॉज इट्स हर्टिंग टू मच. सो आई एम गोना टेक यू गाइस अलॉन्ग. लेट्स गेट दिस विजडम टू थिंग रिजॉल्व इन वट एवर डेज. जब तक ये होता है आई विल वॉक यू थ्रू माई जर्नी बिकॉज आई एम शिट स्केयर्ड. लेट्स गो. हेलो. सो आई गॉट माई एक्सरे डन. काफ़ी क्विक एक्सरे था. मैंने इससे पहले कुछ अलग टाइप का एक्सरे कराया हुआ है. उन्होंने मेरा थोड़ा सा दाद यहाँ का जो ऐसे कट रहा था ना मेरा गाल उससे घिस दिया है एंड मेरे को थोड़ी सी एक ऑइंटमेंट दी है क्योंकि जो मेरा गाल कटा था उस पर मैं लगा सकूँ और वो जल्दी हील हो सके. आज 2 मार्च है एंड मेरी जो एक्सट्रैक्शन सर्जरी है वो होनी है 4th को शाम को 4 बजे एंड मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो रही हूँ उसके लिए. एंड उसके लिए एक बड़े सर्जन आएंगे जो मेरा करेंगे बिकॉज इट इज़ अ लिटिल क्लोज टू द नर्व. एंड बाकी थोड़ी प्रिकॉशंस वगैरह बताई है. जो घिसा है यहाँ पे उसके बाद मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है. ऐसा लग रहा है कि ऊपर से थोड़ा खाली खाली सा है. मैं 5 साल से इस चीज़ को डिले कर रही हूँ. सो या आई एम फीलिंग अ लिटिल रिलीव्ड बट ये सब इतना दर्द मैं इतने दिन से सह रही थी. प्रॉपर मेरी धर्मशाला ट्रिप में भी दर्द हो ही जा रहा था लास्ट के 2 डेज़. तो इसलिए मेरा हेडेक वगैरह बहुत हो रहा है. अभी आज ही मैं ट्रैवल करके सीधा डेंटिस्ट के पास चली गई हूँ. सो दैट इज़ द सीन. अब मैं आप लोगों से मिलूंगी सर्जरी के दिन. हेलो गाइज, इट हैज़ बिन अ रफ 24 आवर्स. दांत की घिसाई के बाद मेरा पेन जो शुरू हो गया था उसके लिए मैंने मेड्स वगैरह तो ले ली थी एंड दे वर क्वाइट इफेक्टिव फॉर लाइक 2-3 आवर्स. आई थिंक आई जस्ट वांटेड टू स्लीप अर्ली बिकॉज मैं कल ही लैंड हुई थी फ्लाइट से एंड ट्रैवल की थकावट भी थी. दांत वगैरह भी घिसवा लिया था. आई जस्ट वांटेड टू टेक सम रेस्ट. तो इसलिए मैं सो गई थी अराउंड 9:30 और 10 बट 11:55 के अराउंड मेरी नींद खुली एंड आई थॉट वो आधी रात हो चुकी है बट इतना ज़्यादा पेन हो रहा था कि आई जस्ट कुडंट लाई डाउन. बट ट्रस्ट मी व्हेन आई टेल यू, नॉट इवन एग्जैजरेटिंग, दिस वॉज द most painful night of my life and I have been through 3-4 very weird illnesses जिसमें मुझे रात रात भर जागना पड़ा है and I've cried in them. But जितना मैं कल रात को रोई हूँ उतना मैं ज़िंदगी में कभी नहीं रोईंगी किसी भी चीज़ पे, not even in my therapy sessions. Like this was so painful. बट मेरी यहाँ की पूरी जो नर्व है एंड यहाँ पूरी ऊपर तक सिर पे जाती है, मेरी पूरी जो लेफ्ट साइड है, आई फेल्ट लाइक मेरे सिर के अंदर कोई कील ठोक रहा था बार बार. एंड ऐसा कील नहीं, इतना बड़ा कील. सो किसी तरह मैंने रात को उठ उठ के कुछ ना कुछ करके मुझे 1 मिनट का आराम तो मिला नहीं. आई थिंक हाँ, बीच में 2 बजे के अराउंड मुझे कुछ आधे घंटे का 1 घंटे का आराम मिला था जिसमें मैं ऐसे बैठे बैठे झपकी ले ली. एंड आफ्टर दैट माई मॉम जस्ट कुडंट टेक इट बिकॉज वो भी बीच बीच में उठे जा रही थी एंड शी कुडंट सी मी इन पेन. सो उन्होंने डेंटिस्ट को फ़ोन किया अंकिता को एंड शी एडवाइज्ड कि हमें एक इंजेक्शन जाके इमरजेंसी में किसी हॉस्पिटल में जाके ले लेना चाहिए. एंड मीनवाइल शी सेड के शी विल टॉक टू द सर्जन जिनको मेरी एक्सट्रैक्शन करनी है कि क्या हम इसको थोड़ा पहले कर सकते हैं बिकॉज आई जस्ट कांट गो थ्रू इट अनदर नाइट. हम किसी हॉस्पिटल गए, वहाँ मैं इमरजेंसी में गई हूँ. वहाँ इंटर्न्स अपनी ड्यूटी कर रहे थे. इट जस्ट रिमाइंडेड मी ऑफ ग्रेज एनाटमी एंड उन्होंने मुझे पीछे बम पे इंजेक्शन दिया. सो उसके आधे घंटे बाद मुझे थोड़ा सा रिलीफ हुआ. आई स्टिल कैनॉट स्लीप बिकॉज जब मैं नॉर्मल लाई डाउन होती हूँ हॉरिजॉन्टली सो सारा दर्द या ब्लड फ्लो इधर आ जाता है एंड देन इट स्टार्ट्स हर्टिंग लाइक एनी थिंग. लाइक ऐसा टूथ एक मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा है. मैं 5 साल से विजडम टूथ के दर्द को झेल रही हूँ बट आई हैव नेवर एक्सपीरियंस दिस काइंड ऑफ पेन. मैं अपनी टांग ऑलमोस्ट 3rd degree बर्न तक जलवा चुकी हूँ मनाली में एंड उन सब चीज़ों में जितना मुझे दर्द हुआ था आई कैन सेफली से दैट कल रात का जो दर्द था वो मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फिजिकल पेन था जो मैंने एंड्योर किया. एंड लोग बोलते थे कि टूथेक इज समथिंग एल्स एंड ऑल ऑफ दैट बट मैंने लिटरली एक्सपीरियंस किया कि रियल टूथेक होता क्या है ज़िंदगी का. सो गुड न्यूज़ इज़ कि मुझे अभी आराम आया हुआ है. द स्वेलिंग यू गाइस कैन सी इज़ अ लिटिल डाउन, अभी है काफ़ी. बट उस इंजेक्शन का 4 से 5 घंटे ही असर होता है एंड मैंने 7:30 बजे सुबह के इंजेक्शन लगवा लिया था. अभी 12:30 हो रहे हैं. सो काफ़ी अब जाने लगा है वो एंड दर्द वापस आने लगा है. एंड अनदर गुड न्यूज़ इज़ दैट कल जो मेरी एक्सट्रैक्शन सर्जरी होनी थी वो प्रीपोन हो गई है. सो हम आज जा रहे हैं एक्सट्रैक्शन के लिए. दिस इज़ 3rd of March एंड मेरे को पता नहीं अजीब सी कुछ एंग्जाइटी और डर सा होता है. आई डोंट वॉन्ट टर्म इट एज एंग्जाइटी बिकॉज आई नो आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई कैन टेक इट. ऐसा नहीं है कि मुझे किसी तरह का डायग्नोस्ड फोबिया है. इट्स जस्ट अ फीलिंग एंड आई विल
गो थ्रू इट, आई विल कम आउट ऑफ इट, एंड आज मेरा ये लेफ्ट साइड का ऊपर नीचे का एक्सट्रैक्ट होना है. तो अभी 12:30 हो रहे हैं. मैंने अपनी लास्ट सॉलिड मील अभी की ली थी. आई हैड अ लिटिल बिट ऑफ आलू टिक्की विद दही, घर की बनी हुई दिवाकर ने बनाई थी. एंड देन अभी मैं थोड़े से दाल चावल भी खाऊंगी, बिकॉज सर्जरी से पहले आपको पेट भर के जाना होता है. उसके बाद आपको 3-4 दिन तक लिक्विड डाइट पर ही रहना पड़ेगा, आप च्यू नहीं कर पाओगे ठीक से. एंड नाउ आई एम हैविंग दिस बीटरूट, गाजर और अनार का जूस, बिकॉज आई जस्ट वॉन्ट टू हैव सम हेल्दी थिंग, ताकि मेरा थोड़ा सा अच्छे से हीलिंग हो. एंड आई प्लान टू हैव मोर हेल्दी थिंग्स, जिससे रिकवरी बेटर हो पाए. इसको मैं खत्म कर लेती हूँ एंड आई विल सी यू गाइस व्हेन आई विजिट द सर्जन. गाइस सो मैं गाड़ी में, हम जा रहे हैं डेंटिस्ट के पास विजडम टूथ के लिए. सो मैंने कैसे हेलो करते हुआ हॉरिजॉन्टल में शॉट ले रही थी, तो उसमें मैंने कहा मैं व्हाट आई ईट इन अ डे सर्जरी स्पेशल करूँगी शॉट के लिए. मैं पापा कहते लिख दे व्हाट आई कुडंट ईट इन अ डे, मैं बस देखती रह गई खा नहीं पाई. दैट इज़ एक्चुअली अ गुड आइडिया. घर में जो जो चीज़ें बनेगी उनकी फुटेज लेके मैंने ये नहीं खाया, मैंने वो नहीं खाया. वो डॉक्टर क्या कह रहा था, वो डॉक्टर कह रहा था इसकी आपकी बेटी की पेन टॉलरेंस 9 out of 10 है, और इतना ज़्यादा ये पेन उसको बोल दिया कि अगर आपको पेन होगी ना तो आप मुझे बता देना, इसमें बहुत पेन होती है क्योंकि हड्डी काटी ये सब किया. इसने एक बार हल्का सा हाथ उठाया तो उसके बाद वो बेचारा कहने लगा, कहते कि ना 9 out of 10 है इसकी मतलब पेन सहने की शक्ति. तो फिर ना उसके टैटू देखने लग गए, कहते अच्छा रेजिलियंस लिखा हुआ है, वाई नॉट लिखा हुआ है, आपने तो बहुत ही रिलेटेबल टैटूज करवाए हुए. For Gudu, the patient. My mom made such a lovely hummus. ये मैं खाऊंगी ब्रेकफास्ट में. This is कितने hours after the wisdom tooth? मतलब next day, कल 4 बजे, 4:30 मेरा हुआ था and अभी 8 बज रहे हैं. ये मैं खाने वाली हूँ ब्रेकफास्ट में. I'm trying to speak थोड़ा थोड़ा because I don't want मेरा jaw lock हो जाए, but अभी भी दर्द तो है ही. सो मैं ये आइस पैक लगा रही हूँ. ओह माय गॉड.
गाइस, दिस इज द सेकेंड डे आफ्टर माई विजडम टूथ रिमूवल. आज मैं बोल पा रही हूँ थोड़ा एंड इट्स बेटर. सुबह बहुत दर्द हो रहा था मेरे जॉ में एंड देन आई हैड सम चाय में डूबी बिस्किट्स, हैड सम पानी एंड थोड़े गार्गल किए, पेन किलर ली एंड नाउ आई एम फीलिंग मच बेटर. मम्मा आज मेरे लिए मैश्ड पोटैटोज़ बना रही है एंड मैंने कल बहुत ज़्यादा आइसक्रीम खा ली थी तो मेरा पेट थोड़ा अपसेट लग रहा है. जो ये दांतों की मेडिसिन एंड पेन किलर्स होते हैं उनके साइड इफेक्ट में होता है कि पेट ख़राब हो जाएगा. आई एम ऑल्सो एडिटिंग सम स्टफ बिकॉज आई डू हैव अ लॉट ऑफ वर्क. मैं रेस्ट ले रही हूँ, आई एम टेकिंग इट ईजी, बट सिंस आई एम एबल टू स्पीक नाउ अ लिटल आई एम प्लानिंग कि थोड़ा सा शॉर्ट्स एडिट करके उसके वॉइस ओवर कर लिए जाए इफ़ आई कैन. अगर मुझे दर्द होना शुरू हो जाता है देन आई विल स्टॉप राइट देन एंड देयर एंड बाकी देन आई एम जस्ट टेकिंग इट ईजी, लाइक सीइंग माई सेल्फ इन द कैमरा विद दीज ब्लैक लिप्स एंड खून एंड ऑल ऑफ दैट. इट्स कैरी एंड आई हैव लाइक स्टिचेज ऑल अराउंड. आई जस्ट रियली वॉन्टेड टू शेयर दिस जर्नी के क्या क्या यू कैन एक्सपेक्ट इफ यू गेट विजडम टूथ रिमूवल लाइक मी. अगर आपकी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है तो द मैश्ड पोटैटो इज हियर. मम्मी वेट कर रही है कि कैसे बना है. लेट्स ट्राई इट आउट. इससे हमस टाइप की स्मेल आ रही है. अच्छा हाँ, पता नहीं क्या. पापाई हेलो एवरीवन, टुडे इज डे 3. आई गॉट माय सर्जरी डन ऑन 3rd ऑफ मार्च. 4-5 आज 6th ऑफ मार्च है सो इट इज़ डे 3 एंड माई फेस लुक्स वेरी टेढ़ा राइट नाउ. पिछले दो दिन से आई कुड नॉट सर्वाइव विदाउट पेन किलर्स बिकॉज जैसे पेन किलर का असर जा रहा था बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था. तो मेरे डॉक्टर ने बोला था कि पोस्ट सर्जरी उस दिन आप 3 पेन किलर्स ले सकते हो और उसके बाद आप दिन में आपको 2 पेन किलर्स ही अलाउड है कैट्रॉल की. आज सुबह मैंने खाने के बाद ले ली थी बिकॉज मेरे को 3 दिन तक अलाउड है. कल से मैं पेन किलर्स नहीं ले सकती हूँ. मुझे अभी भी सॉफ्ट खाना खाना है. आई वॉज ऑन लिक्विड फूड. मेरी मम्मी ने बहुत टेस्टी हमस बनाया था मेरे लिए. आई ऑल्सो एट खिचड़ीज एंड बहुत सारी आइसक्रीम्स, फ्रोजन योगर्ट्स, अलग अलग फ्लेवर्स की. आज से मुझे थोड़ा सा सॉलिड खाना शुरू करना है. मेरे डॉक्टर ने बोल दिया है कि आप अपने कंफर्ट लेवल के हिसाब से देखो. आप दाल चावल वगैरह खा सकते हो, रोटी अभी नहीं खानी है बिकॉज इट इज लाइक हार्ड. सो मैं आज कड़ी चावल खाऊंगी, चावल थोड़े छोटे छोटे. आज सुबह जब मैं बिना पेन किलर के उठी थी मेरे सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा दर्द हो रहा था एंड गाल सूजा हुआ है. बट द ओनली प्रॉब्लम जो मुझे बहुत ज्यादा अभी स्ट्रेस दे रही है इज दैट मेरा अभी भी ये रीजन पूरा सुन है, लाइक इट इज कम्प्लीटली नंब. एंड वाइल आई एम टॉकिंग ऐसा लग रहा है कि मेरा मुंह थोड़ा टेढ़ा हो गया एंड आई एम नॉट एबल टू स्पीक प्रॉपरली. दैट इज बिकॉज आई डोंट नो यहाँ से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बट अंदर से ये पूरा रीजन सूजा हुआ है. इवन यहाँ भी स्वोलन है बट आई डोंट अंडरस्टैंड बिकॉज आई एम टेकिंग अ लॉट ऑफ मेडिसिन जो स्वेलिंग को घटाती है, दर्द को घटाती है एंड दे आर वर्किंग. बट ये रीजन अभी पूरा नम है एंड आई कैन नॉट फील एनीथिंग. लाइक अगर मैं यहाँ पे टच कर रही हूँ मुझे कुछ फील नहीं हो रहा है कंपेयर टू दिस वन. सो आई एम रियली स्केयर्ड बिकॉज दिस वॉज वन ऑफ द थिंग्स जो कि इस वाली सर्जरी में मैंशन थी. आई न्यू मेरे 5 साल पहले के एक्सरे से भी कि मेरी नर्व के बहुत पास है मेरे विजडम टूथ की जो रूट होती है एंड अगर उसको निकालने के चक्कर में वो नर्व डैमेज हो गई तो उसका ही ये रिजल्ट लिखा हुआ था कि आपका चिन रीजन, आपका लोअर लिप रीजन और इवन अंदर से आपकी टंग भी नंब हो सकती है एंड आपका टिंगलिंग सेंसेशन हो सकता है एंड यू विल नॉट बी एबल टू स्पीक प्रॉपरली. एंड दैट इज़ वन ऑफ द मेजर रीजन्स कि मैंने ये सर्जरी नहीं कराई थी बिकॉज आई वॉज जस्ट स्केयर्ड अबाउट माई करियर एंड यूट्यूब चैनल कि अगर मैं ठीक से बोल नहीं पाऊंगी सो हाउ विल आई डू दिस जॉब एंड इट फील्स लाइक मेरे वर्स्ट फियर्स सामने आ रहे हैं. बट एज आई एम स्पीकिंग दिस एरिया टोटली नाम एंड मेरे मुंह में जो सलाइवा आ रही है मैं ठीक से गल्प भी नहीं कर पा रही हूँ. इट्स जस्ट वेरी वियर्ड एंड आई डोंट वांट टू स्पीक दिस वे लाइक लकवा मार गया वैसे टाइप का मुंह. आई जस्ट फील वेरी कॉन्शियस अभी. आई पता नहीं यार मैं बहुत अभी इस टाइम पे एंग्शियस और कन्फ्यूज हो रही हूँ. सो आई जस्ट होप कि सारा जल्दी ठीक हो जाए. इन अदर न्यूज, आई took bath, I brushed yesterday. That was really good. Let's talk about the positive things. मैं अच्छे से brush कर पाई and अभी मेरे को spit करने को जो proper कुल्ला होता है वो उसकी इजाज़त नहीं है
I just have to put water in my mouth and just let it slide. ऐसे let gravity do its work. मुझे थोड़े से lukewarm water के gargles करने को बोले हैं ताकि मेरा गला और ये सारी चीज़ें साफ रहे. And क्योंकि मेरी surgery थोड़ी सी ज़्यादा complicated थी, उनको यहाँ का bone भी थोड़ा सा काटना पड़ा था. So bone वाली चीज़ों को heal होने में और ज़्यादा time लगता है. So my healing time will be more. Yeah, that is all what I wanted to tell you guys. I have kind of collected myself. Still numb, but this is what I'm having, my first solid meal. So I am having kadi. Pakode abhi nahi kha rahi because wo hard hote hain. And this is chawal, but maine thode se mash kara liye hain because I don't want ke koi bhi problem ho. Saath mein I'm watching Jabby and Achara react to Kabhi Khushi Kabhi Gham. And yeah, main apne vlog ki footage sari transfer kar rahi because I have to edit the Dharamshala McLeodganj part 1 vlog. So आज हम वही करेंगे. सो इन फ्री टाइम आई रियली लाइक टू वॉच रिएक्शन वीडियोज. जैबी एंड अचारा, आई फील लाइक दे आर माई फ्रेंड्स एंड आई एम जस्ट हैंगिंग आउट वॉचिंग मूवीज विद दैम. सो अच्छा लगता है. एंड आई एम जस्ट गोना हैव द लंच. बहुत टेढ़ा मुँह लग रहा है मेरा. आई एम जस्ट इट अनॉयज मी व्हेन आई सी माई सेल्फ इन द मिरर लाइक दिस. बट ओके, टीका बोला था आपने. थोड़ा चा, थोड़ा चा. मेरे को भी लगा दे टीका. मैं अभी लगाऊंगी गाल में आपको. हैप्पी होली. Hello guys, so it has been a week since the wisdom tooth extraction surgery and I'm here to tell you that the situation is still the same. I cannot feel a thing. Plus मैं अपने आप को देख रही हूँ शीशे में, तो यहाँ पे एक पिंपल भी आ गया. I don't know what is happening. And usually एक हफ्ते बाद ये होता है कि आपके stitches खुलते हैं, the doctor, dentist checks the recovery. But अभी क्योंकि after 4 days you cannot take painkillers. तो वॉट इज़ हैपनिंग इज दैट यहाँ पे कुछ ऐसा लग रहा है, कुछ खिंच सा रहा है ना, एक थ्रॉम्बिंग पेन हो रहा है. सो मेरा पूरा ये जो जॉ है यहाँ शुरू का, यहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द है. एंड उसके अंदर जो मेरी गम्स है वहाँ बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी हो रही है. एंड द थिंग दैट इज़ सो क्रेजी इज दैट जहाँ पे मैंने मेन अपना कराया है एक्सट्रैक्शन, वो मुझे बेटर लग रहा है. लाइक मुझे वहाँ पे खाने में करने में बहुत हल्का सा पेन हो रहा है, बट यहाँ पे एक अलग ही इशू क्रिएट हो गया है एंड दैट इज़ क्रेजी टू मी. सो आज मैं जाने वाली हूँ डेंटिस्ट. मेरे सर्जन जो है वो नहीं आ रहे हैं. वहाँ पे डॉक्टर अंकिता रहेगी. इफ़ यू गाइज रिमेंबर हर फ्रॉम माय व्लॉग जहाँ पे मम्मी ने अपना रूट कैनाल का कुछ कैप वगैरह का मेजरमेंट्स ली थी, हम गए थे उनके पास. आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट कि बहुत ज़्यादा दर्द ना हो एंड स्टिचेज और सब कुछ जो भी अच्छे से हो जाए, बिकॉज दिस काइंड ऑफ सर्जरी हैज़ काइंड ऑफ लेफ्ट अ लिटिल बिट ऑफ ट्रॉमा इन मी बिकॉज ऑफ द थिंग्स दैट यू सी ना, जब आपका दांत को उखाड़ रहे होते हैं, ढक ढक करके मार रहे होते हैं, इट फील्स लाइक हाँ डॉक्टर आपके भले के लिए रहा है, दे आर वेल ट्रेन, बट इट ऑलमोस्ट फील्स लाइक समवन इज हिटिंग यू. एंड उससे थोड़ा डर लगता है फॉर समवन हु इज जनरली अ वेरी एंक्शियस पर्सन. आई वॉज ट्राइंग टू काम माई सेल्फ डाउन एंड उस टाइम तो आई डिड वेरी वेल, बट उसके बाद जब से मैं रात को सोती हूँ मुझे ऐसे फ्लैशेज आते हैं. सो आई प्लान टू डिस्कस दैट इन थेरेपी, बट दैट इज़ फॉर अनदर डे. आज हम जा रहे हैं मेरे स्टिचेस खुलवाने एंड देखने के बाकी सारे चीज़ों का क्या हाल है, मेरा ये एरिया क्यों सुना है. सो मे बी अंकिता विल बी एबल टू गिव अस सम आंसर्स. ये है रास्ता, ये बोल दिस, ओके, ऐसे जाती है ये, जैसे कि बहुत दूर है ना, आपका ये भी थोड़ा सा पास ही है, ये तो बिल्कुल ऊपर ओवरलैपिंग यहाँ तक है, ये पास तो है, ये इसका रूट यहाँ तक है. We are back from the dentist. मेरे stitches अच्छे से खुल गए. Healing doctor ने बोला कि सही हुई है. The only thing is that जो मेरे यहाँ पे numbness है उसको जाने में कुछ महीने लग सकते हैं. So, इसका जो numbness है ना यहाँ पर, ये थोड़ा एरिया है और प्लस यहाँ बहुत पेन होता है, सारी रात इसको इतना पेन होता रहता है. हाँ, बिकॉज ऐसा नहीं है कि मेरे कोई नर्व में बहुत बड़ा डैमेज हुआ है, बट एज पर वट अंकिता सेड वॉज कि प्रेशर की वजह से मे बी नर्व ब्रूज हो गई हो. शी इज़ नॉट श्योर, शी इज़ जस्ट स्पेक्यूलेटिंग. एंड क्योंकि मेरे यहाँ पे टिंगलिंग सेंसेशन और दर्द है, तो दर्द मीन्स के यहाँ पे ब्लड फ्लो है एंड
ज़्यादा चीज़ें ख़राब नहीं हुई हैं बिकॉज शी सेड के गिव इट सम टाइम, इट विल टेक अ फ्यू मंथ्स. एंड आई वॉज लाइक विजडम टूथ के टाइम तो लोग बोलते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 दिन लगेंगे, बट ये कॉम्प्लिकेशन आ गई है. सो कोई नहीं, हो जाएगा. बट अंकिता वॉज ऑल्सो ऑप्टिमिस्टिक, शी सेड वेट इट आउट, अभी एक हफ्ता हुआ है, ज़रूरी नहीं है कि मंथ्स लगे. सो सबकी रिकवरी अलग होती है. पहले तो ऐसी कोई बात ही नहीं थी, उन्होंने बोला ये दो रिमूव करा ये सब भी हो सकता है, फिर 15 दिन बाद दूसरे रिमूव करा लो, कि जैसे बहुत ही इजी सी कोई चीज़ है. और अब हमारे साथ इतनी कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं, इतना ज़्यादा महीनों कह रहे हैं, और नमनेस है, सेंसेशन नहीं है बिल्कुल भी. बट अब हम कर ही क्या सकते हैं, वेट एंड वॉच करना पड़ेगा, जैसे डॉक्टर कह रहे हैं वैसे ही करना पड़ेगा. हेलो, इट इज़ डे 8 and I just finished having my breakfast and मैंने आज एक हफ्ते बाद रोटी खाई, आलू की सब्ज़ी रोटी with दही. It was so good. I love rotis. Since I'm having this nerve issue जहाँ पे numbing हो रही है मेरे मुँह में, so my doctor has advised me these medicines. This one is for nerve regeneration and वैसे भी एक multivitamin है, and ये वाली calcium की है because मेरे wisdom tooth extraction में थोड़ा bone वगैरह भी shave किया था, एक्सरे लिया था, उसमें था कि मेरे यहाँ पे एक गड्ढा है एंड देन बोन फॉर्मेशन होगा. सो अंकिता टोल्ड मी दैट सबसे पहले मांस और गम्स वगैरह आ जाएंगी, फिर धीरे धीरे बोन्स आएंगी, एंड जो नर्व ठीक होती है उसको सबसे ज़्यादा टाइम लगता है. सो डो नॉट एक्सपेक्ट एनी चेंज ओवरनाइट, जस्ट कीप टेकिंग दीज मेडिसिंस. अभी फॉर अ मंथ मुझे दी हैं, एंड उसके बाद विल सी द प्रोग्रेस कि मेरी यहाँ की सेंसेशन कब वापस आती है. टेकिंग ऑल द मेडिसिंस, आई हैव माई कॉफ़ी right here, and that is how I'm planning to move ahead and move on from this. Kal raat maine bahut like mummy se, papa se, even Ishan se baatein ki, and today even abhi baj rahe 9 and I have my therapy session at 11. आई वी लाइक दीज काइंड ऑफ सर्जरीज दैट यू फील लाइक मेरे साथ कुछ गलत हुआ है, या फिर जो रिजल्ट डॉक्टर्स प्रॉमिस करते हैं वैसा नहीं हुआ, या कोई कॉम्प्लिकेशन आ गई, एंड जो बाकी लोगों का रिकवरी टाइम होता है उससे ज़्यादा जब आपको लग रहा होता है, या कुछ गड़बड़ हो जाती है, सो इट लीव्स सम बैड मेमरीज एंड यू हैव टू वेंट इट आउट. सो आज के सेशन में आई एम प्लानिंग टू टॉक अबाउट इट विद माई थेरेपिस्ट तन्वी, एंड जस्ट वेयर आई एम एट, कैसे मैं फ्रस्ट्रेटेड या थोड़ा बंधा हुआ फील कर रही हूँ. All right, it's time for my session. Maybe this? Yeah, this works. जैसे ही वो हुआ extraction, anesthesia का जब wear off हुआ, तभी से I can't feel this portion. I'm smiling टेढ़ा. उन्होंने कहा हमने नर्व को टच नहीं किया था, बिकॉज उन्होंने एक्सरे में दिखाया था मेरी रूट जो थी दांत की, वो बिल्कुल ही नर्व के ऐसे थी. सो निकालने में प्रेशर लगा है जॉ में, एंड तभी मेरे यहाँ जॉ में ऐसा लग रहा है हड्डी में यहाँ पेन हो रहा है, इसे थ्रॉम्बिंग पेन फील होता है, एंड यहाँ ऊपर का तो कुछ फील ही नहीं हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या 2 किलो का कुछ रख दिया इधर. एंड फॉर समवन लाइक मी जिसको हर 2 दिन में वीडियो बनानी है, आई वुड लाइक आई रियली नीड दिस सेशन, बिकॉज मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं किससे क्या बात करूँ. मेरे को रात भर वो फ्लैशेज ही आते रहते हैं, वो डेंटिस्ट के मेरे पे ऐसे करते हुए. वो समवन जो पहले से ही इतना शुरू से इनसिक्योर रही है अपने लुक्स को लेके, नाउ ऑन टॉप ऑफ दिस आई हैव द वीडियो में मैं, मतलब क्योंकि मैं तो अपना जर्नी व्लॉग करना चाहती थी, आई वाज लाइक हा हा आई विल मेक अ व्लॉग विजडम टूथ ये वो, और नाउ व्हेन आई सी इट मतलब टूथ के टाइम भी इतना कोई दर्द में है. मैं मम्मी को बोलूँ फुटेज लो, मैं ऐसे से इशारे कर रही हूँ. मुझे कभी कभी अपने आप पे इतना होता है कि मैं क्या कर रही हूँ. हाँ मेरा वही, बट पता नहीं मैं अपने आप को साइड में जज करती रहती हूँ. ओके ओके ठीक है. ओके गाइज, आई गॉट डन विद माई सेशन. बहुत सारी बातें निकाली है, क्राइड अ लॉट. शी टोल्ड मी के देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन एक्नॉलेजिंग कि आपके साथ गलत हुआ है एंड आपकी सिचुएशन है ऐसी, एंड जस्ट फीलिंग बैड एंड फीलिंग लाइक अ विक्टिम.
So if you're going into that spiral of feeling like a victim, you need to stop there and ask yourself what you can do about it. So she asked me to do my research, kaise nerve jaldi regenerate ho sakti hai, kya main exercises kar sakti hu, what all will help me. She said go for a second, third, fourth opinion and do all the things to protect yourself. It's a part of self-love. Whatever you're feeling betrayed, you're feeling like kuch galat hua hai tumhare saath, you're feeling the pain, you're feeling ke ek part aapki body ka aap feel nahi kar pa rahe ho, it is valid jo tum feel kar rahe ho, helpless and angry and betrayed and all of these emotions, you must feel them in order to heal from them, and that is what I'm gonna do. I feel much better after the session because मैंने बहुत वेंट किया एंड इट वॉज नॉट लाइक अबाउट अ रैंड सेशन के बस मैं ही बोले जाती थी. शी गेव मी गुड सोल्यूशंस एंड कुछ कुछ मैंने अभी आपके साथ शेयर किया. शी गेव मी अ गुड पर्सपेक्टिव. सो या इट हेल्प मी, इट हैज़ हेल्प मी फॉर नाउ. आई नो कि वो गंदी फीलिंग फिर से आ जाएगी बट नाउ आई विल टैकल इट विद मोर सोल्यूशंस. द मोमेंट आई फील बैड अबाउट इट आई विल फील इट बट आई विल ऑल्सो ट्राई टू गिव माई सेल्फ यार ये फर बोलने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है. गिव माई सेल्फ सम सोल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम सो दैट आई कैन फील के मेरी लाइफ अभी मेरे हाथ में है. एंड या शी सेड कि जो हुआ है वो काफ़ी गलत हुआ है बट या आई डोंट नो. हेलो गाइज, इट इज़ डे 10 एंड आई स्टिल डोंट फील इट. लाइक आई एम नॉट गोना शुगर कोटेड, पिम्पल भी हुआ है इधर एंड आई जस्ट कांट फील एनीथिंग. इवन ये जो यहाँ का दर्द था वो भी अभी है यहाँ पे. आई जस्ट वॉन्टेड टू एंड दिस वीडियो एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज इफ दिस वीडियो में मैं बहुत ज़्यादा रोई हूँ एंड इट कैन बी ट्रिगरिंग. सो आई विल पुट अ ट्रिगर वार्निंग इस वीडियो में बिकॉज ऑफ द मेडिकल कॉन्टेंट एंड अ लॉट ऑफ क्राइंग. आई नो दैट कैन बी हार्ड फॉर अ लॉट ऑफ पीपल एंड कैन ट्रिगर दैम ऑल्सो. मैं इस वीडियो पे एड्स लिमिट करने वाली हूँ बिकॉज आई ट्रूली वांट टू शेयर माय पर्सनल एक्सपीरियंस इन दिस वीडियो. आई नेवर थॉट मेरे साथ ऐसी कोई चीज़ होगी एंड इट्स नॉट टू अर्न मनी और जस्ट सेंसेशनलाइज थिंग्स. जब मुझे पहली बार विजडम टूथ का पेन हुआ था दैट वाज इन 2018 एंड यू नो 2018 में आई यूज टू लिव इन दैट हाउस जो मैंने आपको अपने पिछले शिफ्टिंग ब्लॉग में दिखाया था. Those ceiling wali walls, the white brick wall, everything was there. It started from there. And us time meri kamai zyada nahi hoti thi. To be really honest, I used to get 8,000 to 9,000 from YouTube. And koi aisi brand collabs nahi hoti thi ki mujhe paise mile aur main charge karu kisi se. And when I went to the dentist, nearby dentist the hamari gali mein, he told me ki ek ek daant nikalne ke 10,000 lagenge. And us time mere ghar ka kiraya I think 12,000 hota tha. So we barely could afford rent and 10,000 matlab 40,000 ka to yahin pe fatka lag jata. And that is why I was like, okay, I will take painkillers because I cannot afford to have this wisdom tooth extraction surgery. Cut to, I think, 2 years later, mujhe fir se wo dard utha. Then I was in my previous house. I got to know with the more bade wale x-ray se ki yahan nerve ke sab kuch bahut pass hai. I'm not really sure, mujhe pehle bhi pata tha ya nahi pata tha because it's all a blur. So वो नर्व के पास होने की वजह से आई वॉज टू डैम स्केर्ड कि वॉट इफ़ मेरी नर्व डैमेज हो जाए और मैं बोल ना पाऊँ, मेरा एरिया सुन हो जाए. एंड सो नाव तो अब मैं सुबह उठती हूँ और मैं ट्राई भी नहीं करती हूँ देखने का कि क्या कितनी सेंसेशन वापस आए बिकॉज इट्स जस्ट द सेम. इट्स बिन 10 days एंड माई दिस थिंग इज़ हीलिंग बट दिस एंड द पेन जो यहाँ पे हो रही है विच वॉज द प्रेशर पेन वो ठीक नहीं हो रही है अभी. नॉर्मली जो लोगों की विजडम टूथ एक्सट्रैक्शन होती है चाहे पार्शली इम्पैक्टेड टूथ हो चाहे अंदर ही हो निकला ना हो बाहर, वो गम्स को काट के दांत को एक्सट्रैक्ट, थोड़ा फोर्स तो लगता ही है एक्सट्रैक्ट करके होती है. एंड इन माई केस गम को भी काटा गया है. द विजडम टूथ वॉज टू इमर्स्ड इन द बोन सो बोन को भी काटा गया ताकि विजडम टूथ को निकालने के लिए स्पेस बनाया जा सके. एंड उसको निकालने के चक्कर में वॉट आई एम सेंसिंग इज़ दैट वो नर्व भी थोड़ी ब्रूज हो गई है बिकॉज इट्स जस्ट वेरी वियर्ड कि ऑन योर 10th day योर वन साइड फील्स नम एंड यू कांट फील योर फकिंग फेस. आई एम सॉरी फॉर स्वेयरिंग बट मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हूँ इस टाइम पे. सो माई गम, माई टूथ, माई
bone and my nerve, everything is affected right now. And when I need to open my mouth, ek pop idhar hota hai, and then mera pura jaw dard karne lagta hai. Like I need an hour to recover from it, and then I have to take a painkiller. Mentally, main itni effect ho gayi hu ke I am not able to sleep properly at night. Like I get these flashes of the dentist hitting me with that thak thak thak, jo aapne is vlog mein dekha hoga. And never feeling my lip ever again, and un sapnon se main ekdam jhatke se uth jati hu. I always feel like something is coming at me aur main ekdam se uth jati hu raat ko. So I guess I just want to end this vlog with saying that please Quirky Squad, allow me some time to heal. I know I'm a content creator and I take it very seriously ke mujhe har week do videos dalni hai, हर दूसरे दिन शॉर्ट्स डालना. अब तो यू नो प्लेटफॉर्म्स और एल्गोरिदम भी ऐसे हो गए हैं कि व्हेन यू डोंट पोस्ट कंसिस्टेंटली इट घोस्ट्स यू. लाइक पीपल, आप लोगों को मेरी वीडियोस रेकमेंड नहीं होंगी इफ़ आई डोंट पोस्ट रेगुलरली. बट आई थिंक ये जो मेरे साथ हुआ है उसके बाद मेरे को एक चीज़ रियलाइज़ ज़रूर हुई है कि बिफोर बींग अ कॉन्टेंट क्रिएटर आई नीड टू फील लाइक अ ह्यूमन अगेन. And I am a human being first and content creator later. So I just really want to heal without any pressure of posting. जब मेरा मन करेगा I will try to post, या I will take it easy. I'm not really sure what's my plan here, to be really honest. I'm very confused. I love my job. Whatever I have today is because of this. But I just really want to heal first like a human being. मैंने काफ़ी research की on the kind of nutrition कि मुझे क्या क्या खाना चाहिए, लाइक मशरूम्स एंड स्पिनच एंड ऑल ऑफ दैट फॉर नर्व रीजनरेशन. मैं सारी मेडिसिंस ले रही हूँ, बट रेस्ट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. लाइक व्हेन यू स्लीप प्रॉपरली योर बॉडी इज एबल टू हील एंड रीजनरेट इटसेल्फ, एंड दैट इज़ व्हाट आई वॉन्ट. आई वॉन्ट प्रॉपर स्लीप, आई वॉन्ट नो प्रेशर फॉर अ वाइल. एंड इट ऑल्सो स्टेम्स फ्रॉम द फैक्ट दैट मैं अब आगे जाने वाले किसी भी व्लॉग में आके ये आप लोगों को बार बार नहीं दिखाना चाहती कि देखो मेरा मुँह टेढ़ा हो गया. लाइक आई डोंट वॉन्ट टू कीप टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग अगेन एंड क्रिप अबाउट इट, बिकॉज इट इज़ अ बिग डील टू मी. इट माइट बी लाइक अगर मैंने चार बार एक व्लॉग में एक चीज़ बोल दी, पाँचवीं बार द व्यूअर विल बी लाइक क्या यार बकवास किए जा रही है, मतलब पता चल गया ना तेरे साथ ये हो गया है. बट आई हैव टू लिव विद इट एवरी डे. आई हैव टू वेक अप एंड नॉट फील माई फेस. आई हैव टू स्माइल, एंड वैन आई स्माइल आई फील कॉन्शियस बिकॉज यू नो मेरा मुँह टेढ़ा हो रहा है. I am speaking and I can't feel the saliva. Then मुझे feel होता है कि oh मेरे मुँह में saliva इकट्ठी हो गई है, I need to gulp it. Like minor things that are affecting my mental and physical health. So I think I need some time off. I know this is a very big deal to me, taking a break and also what I'm dealing with. I want कि मैं जब वापस आऊँ तो मैं एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आऊँ. एंड टू बी रियली ऑनेस्ट विद यू गाइज, अभी मैं बिल्कुल पॉजिटिव फील नहीं कर रही हूँ, ना मेंटली, ना फिजिकली, ना इमोशनली. आई फील लाइक मेरा सब कुछ चूस लिया गया है एंड मेरे में और ताकत नहीं बची है कुछ भी शेयर करने को, कुछ भी बताने को, एंड यू नो लोगों के ओपिनियंस भी सुनने को फॉर अ वाइल. सो आई जस्ट वांट टू स्टे अवे. एंड या इफ आई फील लाइक पोस्टिंग स्टोरीज ऑन इंस्टाग्राम, इफ समडे आई एम हैप्पी आई विल बी हैप्पी टू शेयर इट, बट फॉर अ वाइल आई जस्ट डोंट वॉन्ट टू पुट आउट कॉन्टेंट और रिसीव opinions on me or anything. So try to be supportive, try to be nice, and yeah, this was my experience with this video. I really don't want to demotivate anyone for a wisdom tooth surgery. Agar aapki mere jaisi nerve wali complication nahi hai, go for it, but just really really do your research well on the kind of surgeon you're going to, and just yeah, unka pura interview lo ke aap kya karne wale ho mere sath, because this is your body, you need to take care of it. And yeah, that is the thing. That is, I guess, what I wanted to say. I will see you. I don't know if I'll see you soon, but फिर ज़रूर मिलेंगे when I'm back with a better, hopefully जब ठीक हो जाएगी, and hopefully this. So yeah.